मजे की टिक 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 की आवाज आ रही है जिसमें बच्चों अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट स्वीडिश कॉलेज गुजरात में। आज हम पीएम के नोटिस के मुताबिक शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और यहाँ पे बहुत से पौधे लगा चुके हैं और बहुत से लगाने बाकी हैं, तो हमारे साथ रहिए जी। तो अभी सारे पौधे लग चुके हैं और अब उनको पानी देने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये चेक करें, इधर भी पानी दे दिया गया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा जो पौधा है उसको पानी रह गया या किस किस को भी दिया जा रहा है। ये चेक करें, पाइप पकड़े हुए हैं और पूरा मतलब कि निज़ाम टाइट हो रहा है। विकास भाई के चैनल को फॉलो करें, बहुत अच्छी नाते पढ़ते हैं, दिल बड़ा ज़बरदस्त कलाम पढ़ते हैं, बड़ी खुशी होती है सुन के। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी। तो ये चेक करें, पानी दिया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है ना, मतलब पहले भी लगे हुए थे और मज़ीद जो है ना वो लगे हैं। तो ये चेक करें, बल्कि पास जा के आपको दिखाता हूँ कि जो पानी दिया जा रहा है और रस्सियाँ बांधी जा रही हैं ताकि वो टेरे वगैरह ना हो। ये चेक करें जी। तो आप सब ने भी ये देखा है, आप 14 अगस्त भी आने वाली है, तो 14 अगस्त को आप झंडियों के बजाय पौधे लगाएं और सरसब्ज पाकिस्तान बनाएं और जितना हो सके पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हमने जब 2019 रुख्सत हुआ था तो 20 की नस्बत से हमने 20 पौधे तब भी लगाए थे, लेकिन अभी भी लगा रहे हैं, सारा साल तकरीबन ये काम चलता है। ये चेक करें, सारा पानी दिया जा रहा है। तो ये सारा व्यू चेक करें यार, आप कितना मज़े का व्यू है। मतलब अभी न्यू न्यू ये वाले पौधे लगे हैं और इधर तो ये सारा भरा हुआ है ना पूरा, उस तरफ भी सारा मतलब के पौधों से भर चुका है कॉलेज जो है ना। तो ये चेक करें, देखें कितनी भाई मेहनत हो रही है, ऐवें नहीं इतनी जल्दी वो हो जाता है, इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। हाल ही लगाना मकसद नहीं है, देखभाल करना इनको और सारा चेक करना। गर्मी भी बहुत है, आप लोग तो घरों में एसीयों के नीचे लेटे होते हैं, ये कुदरती एसी हैं। और ये चेक करें, ये सारे उधर, बल्कि हाँ हमजा मुझे बता रहे हैं कि ये वो जो सामने दीवार है ना उसके साथ भी, मुझे लग रहा है कि मैं उस दिन भी आया था जब हम उधर गए थे। तो हाँ उधर भी ये चेक करें, मतलब कि वो पूरी साइड पे टोटली जो है ना टोटली पौधे लगे हुए हैं, पूरा कॉलेज जो है ना वो भर चुका है और मज़ीद जो है वो बारे। यार इधर ठंडी हवा आई है मुझे, तो मज़ा आ गया जी। तो अभी उस तरह मैं जाने लगा जहाँ पे पूरा जंगल रेडी हुआ है, मतलब कि इतना पौधे लगा दिए हैं कि पूरा जंगल जो है ना वो रेडी हुआ है। मैं वैसे थक गया हूँ लेकिन कोई बात, चलते हैं। वो देखें, सारा रस मेरे से पहले उधर पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह इनसे भी पूछेंगे ये कब लगाए थे और कितने अरसे में इतने हुए हैं। सारा जो सिस्टम है वो उसकी देखभाल लिए लगाने के बाद, ये नहीं कि हम लोग तो लगा के मैं आपको सच्ची बताऊँ चले जाते हैं ना, लेकिन वाकई इनकी देखभाल भी करते हैं, पानी वगैरह का भी। और काफ़ी बड़ा कॉलेज है और मैं पर्सनली तौर पे थक गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलते जाएं चलते जाएं। चल बहुत आगे जाना जा पड़ा है, चेक करें पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ, कितना मज़े का मौसम भी हो गया। और आ रहा हूँ अभी पहुँच के आपको बताते हैं, पहुँच गया। चेक करें, ये एक लाइन हमने लगाई थी शतूत की, कुछ बचे हैं कुछ नहीं बचे, गर्मी
नहीं बड़ी थी, वो आगे देखिए किक्कर के कितने बड़े बड़े हो गए। किक्कर एक ऐसा ढीठ पौधा है जो लगाते हुए मर जाता है, लेकिन ये देखिए छोटा छोटा हो ही गया। ये देखिए ये किक्कर, ये पौधा, ये कौन सा किक्कर का पौधा? ये किक्कर दस छोटा सा पौधा, प्यारा पत्ते, इमली जैसे पत्ते होते हैं इसके। अच्छा, इसको कितनी देर हुई है इतना होने में? ये एक गलती करते हैं लोग, लोग गलती ये करते हैं विकास भाई, पौधा लाते हैं सस्ता 8 रुपए वाला, डेढ़ फुट का, पैसे बचा लेते हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता होता कि भाई मेहनत एक पौधा लगाने में 8 रुपए वाले में भी उतनी है, 400 वाले में भी उतनी है। आपने जो आज पौधे लगाए हैं माशाल्लाह, वो उनकी कीमत कम से कम 500 से 600 रुपया एक की है, लेकिन वो सारे 8 से 9 फुट बड़े हैं। अब आप इमेजिन करें इस पौधे को, इस पौधे को तकरीबन 3 साल लगेंगे इधर इतना इतना करने में से। बिल्कुल, तो वो 3 साल की मेहनत ठीक है या 300 रुपया ज़्यादा देना ठीक है, आप खुद फैसला कर लें। बिल्कुल 300 ज़्यादा देना। भाई बिल्कुल, तो ये जिन्होंने लाए थे, जिन्होंने लगाए थे, उनको मैंने यही कहा था कि भाई जान आप पौधे तो ला रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की फ़ीमेल थी, उनको मैंने मशवरा दिया था बहन आप ला तो रहे हैं, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि ये 8 रुपये का पौधा इतने से इतना करने में 3 साल लगेंगे। वही हुआ, उन्होंने तकरीबन 60 पौधे लगाए थे, 5-7 ही बचे हैं, अब अभी हमारी मेहरबानी बच गई। वो फीमेल को समझाना मुश्किल हो जाता है। तो है चले, शहतूत है कौन सा? ये वाला शहतूत। अच्छा मैं आपको बता दूं विकास भाई, ये जो फॉरेस्ट है मेरा, इसमें अर्बन फॉरेस्ट कहता हूँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 के करीब मैंने पौधा लगाया था, जिसमें पॉपुलर है, शहतूत है, सुखचैन है, जामुनू है, किक्कर है, और आगे चलेंगे तो शायद मुझे और भी याद आ जाए, द्रेक है, और अल्लाह भला करे टाली शीशम है। ये सारे पौधे मैंने लगाए थे और इनको तकरीबन 15-15 फुट के फासले पे प्लान तरीके से लगाए थे। इंशाल्लाह यहाँ पर ट्रैक्टर चलेगा तो ये बड़ा क्लियर हो जाता है, और आप खुद विकास भाई देखें तकरीबन 25-25 फुट पे पौधे पहुँच गए। बिल्कुल, और ये जंगल बियाबान था, यहाँ पर ना माली आते थे, और आप इस तरफ देखें, इनको दिखाएँ, ये बैक साइड पर ये ऊँचे ऊँचे दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये वो हैं जो मैंने 2 साल पहले लगाए थे। यहाँ पर माली आने से घबराते थे, गर्मी बहुत शदीद होती है, सावन भादर में वैसी जान निकलती है, अब वो कहते हैं हम खुशी खुशी काम करेंगे। तो आपको ये कितना अरसा हो गया ये पौधे लगाते हुए, मतलब कितना टाइम? विकास भाई मैंने 2016 में शुरू किया था, पहला पौधा लगाया था अमरूद का, उसकी ग्रोथ देखते हुए, बच्चों की तरह पालते हुए, समझते, चूँकि मैं शहर से बिलोंग करता हूँ, मुझे मालूम नहीं है इतनी ज़्यादा प्लांटेशन के बारे में, करने से सीखता हूँ। बिल्कुल, तकरीबन मैंने जो पिछला साल है मेरा 2018 से 2019 का, और अब तक 2000 से ज़्यादा पौधा लगा चुका हूँ, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशो 80% से ज़्यादा है, 100 में से 80 बच जाते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। तो आपने सुना कि 2016 से शुरू किया है, 2000 पौधे अभी तक लग चुके हैं, और मैं भी मतलब के साथ आके एक दो दफ़ा आके लगाए थे, तो 40 पौधे यहाँ पर मौजूद है जामुनू के। ये साथ है बॉयज़ हॉस्टल है पीछे, ये बैक साइड पे जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं बॉयज़ हॉस्टल हैं, इसके साथ हमने यहाँ पे 40 पौधे जामुनों के लगाए थे, सिर्फ इस इंटेंशन से कि बच्चों को एक्टिविटी मिले, कोई फल भी खाएं और परिंदे भी खाएं, बच्चे भी खाएं, यहाँ पर आके बैठें, ओपन एरिया में आके बैठें, कमरों से निकलें बाहर, यहाँ पे बैठ के पढ़ें। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये 2 लाइनें जामुनों की हैं, ये चेक करें, पूरा एक बगीचा तैयार हुआ है। अच्छा ये सुखचैन है, इसका नाम ही सुखचैन रखा गया, सुखचैन, क्योंकि इसकी छांव के नीचे बैठ के वाकई सुख और चैन मिलता है, इतनी ठंडी छांव होती है, और इसको कहते हैं कि इंतहाई स्लोप होता है, बहुत सुस्ती से होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह ये इस वक्त 7 फुट की हाइट पे पहुंच चुका है। बिल्कुल, ये 7 फुट की जो है ना, ये चेक करें माशाल्लाह जी, मुझे क्योंकि पौधों का ज़्यादा वो नहीं था पता, वो सार की नमाजिश है, वो बताते जा रहे हैं पूरा पौधा साथ में, मुझे भी समझने को मिल रहा है काफ़ी कुछ। गर्मी माशाल्लाह, ज़रा इसके साथ अपनी सेल्फी लें, और मेरे ख्याल से आपको कैमरे में एडजस्ट करते हुए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, इतना बड़ा पौधा ये। वो देखें किधर जा रहा है, ये जा आप इस तरह देखें, 7 फुट तकरीबन 8 फुट की इस तरह ये मेरी हाइट है, और ज़रा आप नीचे करें कैमरे को, ओ मेरे से भी ऊपर है। वो देखें ऊपर तक है, और ये सिर्फ 2 साल की मेहनत है, सिर्फ 2 साल की मेहनत,
यकीन करें अगर आप भी सच्चे जज्बे से सच्ची लगन से काम करेंगे तो आप भी पौधे लगा सकते हैं। और हर बंदा अगर मैं कहता हूँ 2000 पौधा लगाए तो पाकिस्तान में तो पाँव रखने की जगह ना मिले। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें सिर्फ 2 साल में किधर तक है वो देखें। जैसे बच्चों को कुची 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 नहीं करते चीक्स पे, तो मेरा भी दिल करता है मैं इनको कुची कुची करूँ। वो उनके पत्ते भी कुची कुची करते हैं। तो ये देखें ये भी है, मतलब कि यार यार देखे पूरा मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं किसी वाकई बाग में आया हूँ, मतलब जिस लाइन से लगे हुए हैं तरतीब से। विकास भाई आप ना, विकास भाई कभी आप इमेजिन करें कि एक पौधे के बारे में मशहूर हो कि ये पौधा लग ही नहीं सकता और आप उसको लगाएं, 60 पौधे लगाएं और उनमें से 40 कामयाब हो जाएं। और अच्छा। उसमें से एक ये देखें, जब मैं ये लगा रहा था पौधा तो लोग मुझे कहते थे कि मलिक साहब ये नहीं चलेगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप यकीन करें इस जैसे 40 पौधे मैं और दिखा सकता हूँ। ये शीशम का पौधा है, टाली का पौधा है, जो फर्नीचर मार्केट में इस वक्त फुल डिमांड पे। और ये मेरा पौधा माशाल्लाह तकरीबन 7-8 फुट पर जा चुका है और इस तरह के 40 और भी हैं। अच्छा, इधर ही लगे हैं ये? इस लाइन में लगे हैं, हमने फेंस के साथ लगाए हैं सबसे एंड पे, ताकि इंसानों की पहुँच से दूर रहें। सबसे आखिरी जो कॉलेज की बाउंड्री के साथ सबसे पहली जिसे आप कहते हैं ना हिसार, वो शीशम का है। दूसरा हिसार सुखचैन का है, तीसरा जामन का है, चौथा पॉपुलर का है। इस तरह हमने हिसार एक रेडियस, जिस तरह वो दायरे बनते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उस तरह हमने रेडियस में लगाए हैं सारे। ज़बरदस्त, हमने ट्रैक्टर चलाना होता है ना इसलिए तरतीब से लगाए। बिल्कुल हमजा, देखें ये पौधे लगा के ना उनको याद रखना भी बड़ा होता है कि हमने ये इधर लगाया, ये इधर लगाया, ये इधर, वो सब याद है। आओ मिलो अपने पौधे, ये बुला रहा है आपको, चेक करें। ये हमजा से मिलवाएं कादरी साहब। नहीं जी, हमजा भी पहुंच आए हैं, देखें चेक करें। ये क्लीन ग्रीन चैंपियंस हैं मेरे, आप यकीन करें मेरे इतनी खुशी होती है। आप ये वायद बच्चा है और भी है, लेकिन ये वो है जो खुद कहता था जी 14 अगस्त पे पौधे लगाएं। अल्लाह, और ये माशाल्लाह इस बच्चे ने, अल्लाह ताला इसे कामयाब करे, कामयाब कामरान करे मुस्तकबिल में। ये सारी इनकी मेहनत है, मेरी कुछ भी नहीं है। और आप देखें इनको, इनको देख के कितनी खुशी होगी इनके दिल में, इनको पता है इन्होंने कितनी मुश्किल से पानी लगाया था। ये तो इसकी मतलब किधर तक आते होंगे, इसके साथ खड़े हो ना। ये चेक करें, मतलब कि ये कैमरा मैं नीचे करूं तो ये गायब हो जाएगा। तो देखिए आपने, ये चेक करें, ये सही इनका पता चल रहा है लाइनों का। हाँ, सबका लगेगा, वो भी जब बड़े होंगे तो भाग तो नहीं गए बच्चे, कह रहे थे जाना है। आजो आजो भाग दिखाया, अपना यूट्यूब चैनल नहीं है ना सर, मेहनत की ही जाती है। सब पड़ोसियों को भी पानी दे दें, बल्कि ज़ाया ना करें अगले। फाइनली जो बारिश गरज रही थी वो बिलाहर बरस पड़ी है, और ये चेक करें कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और जब ये दरख्तों पे पड़ी और कितने मज़े की टिक 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 की आवाज़ आ रही है, तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बारिश का भी थोड़ा सा नज़ारा करवाएंगे। और हम भीग भी गए हैं, ये देखें, हम एक आपको मज़े की बात बताऊँ कि हम अभी भी बारिश में भी और धूप में भी इस टाइम दरख्त की छाँव में खड़े हैं और बचे हुए हैं। और दरख्त लगाएं और ये क्या कर लें, दरख्त की छाँव में हैं, दरख्त लगाएं और ग्रीन ग्रीन पाकिस्तान में हमारा साथ दें। तो इस वक्त हम पौधे वगैरह सब कुछ लगा चुके हैं और अब हम घर की तरफ रवा दवा हैं, मतलब कि जाने लगे हैं। हम सब बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मज़ा आया? क्योंकि आप तो वैसे भी ग्रीन चैंपियन हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अब हम नेक्स्ट बार जो 14 अगस्त को लगाएंगे इंशाल्लाह। आपको कैसा लगा? आप आए, मुझे तो मज़ा आया, बंदा थक जरूर जाता है लेकिन मज़ा ज़रूर आता है। आप भी लगाइएगा, बंदा थक जाता फिर आगे आके ठीक हो जाता। आप लगाइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा।